हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रौपदीज किचन। चलिए आज को स्मार्ट कुकिंग करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हम सबके बहुत ज़्यादा फेवरेट स्नैक वेज समोसा। तो वेज समोसा मैं थोड़ा बंगाली स्टाइल में बनाऊंगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले मैं ले लिया है 3 से 4 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक, उसका मैंने पेस्ट बना लिया। आप समोसा का डो बनाते हैं। 1 कप मैदा, उसमें मैं मिला रही हूँ नमक 1/4 टीस्पून, सूजी 1 टेबलस्पून, और सारी चीज़ को ड्राई जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं अच्छे से मिला लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वाइट ऑयल या घी 1 टेबलस्पून। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ वे वाटर, या छेने बनाने के बाद जो पानी मिलता है वो, या फिर आपके पास ये नहीं है तो आप बटर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो प्लेन वाटर, लेकिन अगर आप वे वाटर या बटर मिल्क यूज़ करते हैं तो जो डो बनता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, समोसा बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। डो जो है बहुत सख्त बनाना है, तो आप देख सकते हो हमारा जो डो है वो सख्त है। अब मसाला बनाते हैं। तो कुछ मूंगफलियाँ फ्राई कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें दे रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल, उसमें मैं कुछ सब्जियाँ डालूँगी, जैसे गोभी। फूल गोभी को मैंने ब्लंच कर लिया है, मतलब 1 मिनट गर्म पानी में इसको भिगो के रखा था। और 1/2 बॉयल आलू लिया है, गोभी को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया। अब जो 1/2 बॉयल आलू था उसको छोटे छोटे पीस में कट के गोभी के साथ ही मैं फ्राई कर रही हूँ। अब मैं इसमें मिलाऊंगी कुछ मसाले, जैसे वो जो मैंने पेस्ट बना के रखा था अदरक और हरी मिर्च का। तो आप देख सकते हैं ये दरदरा पेस्ट है, एकदम स्मूथ पेस्ट नहीं है, तभी टेस्ट आता है। अब मिला दिया हल्दी 1/4 टीस्पून। अब इसमें मैं मिलाऊंगी नमक स्वाद अनुसार, तो मैं यहाँ 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा मिला रही हूँ, और चीनी 1 टेस्पून। अब मैं इसको फिर से मिक्स करते रहूँगी लो फ्लेम में। तो फ्रेंड्स, जो हमारे समोसा होता है उसका जो मेन जो सब्ज़ी होती है उसी में टेस्ट होती है, और जो उसका बेस होता है, जो अब मैं इसमें मिला रही हूँ हरी मटर या पीस, इसको भी मैंने ब्लंच करके रखा है, और इसको मिक्स करते जाऊँगी। तो खस्ता बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना समोसा का डो, तो उतना अच्छा नहीं लगता। समोसा जब हम बाहर खाते हैं तो हल्का खस्ता भी होता है और खाने में तब मज़ा आता है। इसलिए 1 कप मैदे में बस 1 टेबलस्पून ही ऑयल डाले। अब इसमें मिला दिया मैंने गरम मसाला पाउडर 1/8 टीस्पून, जैसे आप देख सकते हो, और एक मेरा मैजिक मसाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 टीस्पून। तो मैजिक मसाला का रेसिपी मैंने एंड स्क्रीन पे दे दिया है, आप लोग प्लीज़ देख लेना। और समोसा के लिए ये मैजिक मसाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे हलवाई देते हैं, सारे दुकान में देते हैं। अब जो फ्राई किया हुआ मूंगफली था वो भी मैंने मिला दिया। इसके साथ आप फ्राई किया हुआ नारियल भी मिला सकते हो, कोकोनट, तो मैंने नहीं मिलाया, वो ऑप्शनल है, और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हमारा मसाला रेडी है, इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं और बनाने चलते हैं समोसा। तो हमारा डो इधर देखिए, मैंने 20 मिनट के लिए थोड़ा ढक के रखा था, बहुत ही अच्छा टाइट डो बना है। अब मैं इसका छोटे छोटे लोई बना लूँगी, मतलब आपको जितने बड़े साइज़ के समोसे चाहिए उस हिसाब से आप इसके लोई या पेड़ा बनाइए। और इसको हम अब बेलेंगे, लेकिन बेलना है कैसे, थोड़ा देखिए लंबा टाइप का, गोल नहीं बेलना है, थोड़ा लंबा बेलना है जैसे मैं बेल रही हूँ, और बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है, तो मीडियम साइज़ थिकनेस रहेगी। अब इसको बीच में से मैंने कट लिया, अब इसका फोल्डिंग में दिखा रही हूँ, अब थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए फ्रेंड्स, हम चारों तरफ थोड़ा सा पानी लगा लिया, बस हल्का सा, और इसको मैं कट किया हुआ साइड से फोल्ड कर रही हूँ। अब एक कटोरी जैसा बन गया। अब इसके अंदर मैं फिलिंग पूरा भर दूंगी, बहुत ज़्यादा, एकदम ठूस ठूस के, ये फटेगा नहीं, डोंट वरी। इसीलिए जो हमारा, जब आप बेलेंगे इस लोई को तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, अदरवाइज फट जाएगी। तो अब देखिए, इसका मुंह को हमने अच्छे से सील कर लिया, और जहाँ आपने वो जॉइंट बनाया था उसके उल्टे साइड इसके मुँह को सील कर दीजिए, जैसे मैं सील कर रही हूँ। अब देख लीजिए फ्रेंड्स कैसे मैं कर रही हूँ, और एक दो समोसा बना के मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन जो ये मसाला है, सब्जियाँ है, भर के डालना है, डोंट वरी, ये फटेगा नहीं। अब हम घी और ऑयल एक साथ मिक्स कर लिया है, हम डीप फ्राई करेंगे, तो आप सिर्फ वाइट ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। समोसा बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑयल जो है 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, और लो फ्लेम में समोसा फ्राई होगा।
इसलिए समोसा फ्राई करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब अगर आपका जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और उसमें आप समोसा डालोगे तो ऊपर से तो लाल हो जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। गुनगुना गरम तेल में समोसा फ्राई कीजिए लो फ्लेम में, बहुत टाइम लेके फ्राई करना होता है। तो कैसा लगा आज की रेसिपी फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।